हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक पर कैसे ईमेल क्रिएट करते हैं और उस ईमेल को कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में साइन इन या लॉगिन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो अकाउंट ओपन कर लिया है और ये जहाँ पर वन ड्राइव लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ईमेल क्रिएट करेंगे यहाँ पर ही हम साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है एंटर ईमेल, तो हमने अभी ईमेल क्रिएट नहीं किया है, तो क्रिएट अकाउंट इस पर क्लिक किया। उसके बाद स्विच टू इंडिया इंग्लिश इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स पर जाएंगे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है क्रिएट वन, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन आ चुकी है @outlook.com। उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे, यानी जो भी ईमेल नेम हमें बनाना है या जो भी ईमेल हमें बनानी है उसका नेम एंटर करेंगे। तो मान लिया हम यहाँ पर लिख देते हैं मलिक अखिल @outlook.com और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये ईमेल ऑलरेडी लिया हुआ है यानी एग्जिस्ट नहीं है, तो हम कोई और नेम डालेंगे यहाँ। तो इस बार डाल देते हैं अखिल MALIK और डबल के लगा देते हैं, @outlook.com हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये सक्सेसफुली इसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद सर नेम डाल देंगे MALIK और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और कंट्री हमारी इंडिया हो गई और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो 10 दिसंबर 1998। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पज़ल डालेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये पज़ल आ चुके हैं, कुछ एनिमल्स की तरह आ रहे हैं, तो इन्हें हम बिल्कुल सीधा यहाँ कर देंगे। ये सीधा जब हो जाएगा उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे, ये अब सीधा हो चुका है। उसके बाद डन इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। अब इस एनिमल को हम सीधा करेंगे और डन इस पर क्लिक करेंगे, इस एनिमल को भी हम सीधा करेंगे और डन इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट में जो आया है इसे भी हम सीधा कर देंगे और डन इस पर क्लिक करेंगे, गुड। उसके बाद यह ईमेल ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कह रहा है स्टे साइन इन, यस हम साइन इन रहना चाहते हैं इसमें। तो ये वन ड्राइव ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। और ये देखिए सक्सेसफुली ईमेल क्रिएट हो चुकी है और हम वन ड्राइव में साइन इन हो चुके हैं। सो सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें स्टार्ट कर देंगे और इसे प्रीमियम प्लान है इसे कट कर देंगे अभी। तो ये ईमेल सक्सेसफुली यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ईमेल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे ताकि हम विंडो को वन ड्राइव से कनेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हम फिर से वहीं पर आएंगे, तो नीचे कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर जाएंगे, तो ऊपर लिखा हुआ है वन ड्राइव साइन इन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने ईमेल अभी रिसेंटली क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर उस ईमेल को यहाँ एंटर करेंगे MALIK@outlook.com और साइन इन इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था। और साइन इन इस पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी एक्सेप्ट कर देंगे सभी कंडीशन को और नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यूज दिस फोल्डर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ प्रीमियम प्लान दिखा रहा है इसे नोट नाउ इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट इस पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पर जाएंगे
और लेटर इस पर क्लिक करेंगे, ओपन माई वन ड्राइव फोल्डर, तो यहाँ फोल्डर भी ओपन करना चाहें तो ये वन ड्राइव फोल्डर ओपन हो जाएंगे, ऊपर वन ड्राइव आ रही है लिखी हुई। तो ये देखिए वन ड्राइव सक्सेसफुली साइन इन यानी लॉग इन हो चुकी है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और उसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कनेक्ट कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं।